हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर वन फ्रॉम सिविक्स, पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं बेटा, पावर शेयरिंग मीन्स जो हमारी डेमोक्रेटिक, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री कहाँ होती है? जहाँ पर जो भी गवर्नमेंट होती है वो पीपल सेंटर्ड होती है, जिसको पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें पावर जो शेयर की जाती है अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और उनको हम पढ़ेंगे टू कंट्रीज के एग्जांपल के थ्रू, बेल्जियम एंड श्रीलंका। जैसे डेमोक्रेसी, ऑल पावर डज नॉट रेस्ट इन एनी वन ऑर्गन, मीन जितने, और डेमोक्रेसी में सारी पावर्स क्या होती है, किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती हैं। वो क्या है, उनकी शेयरिंग की जाती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। लेजिस्लेचर है, लॉज को मेक करता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करते हैं, जुडाइसरी जुडाइस प्रोवाइड करता है। अगर कोई उन लॉज को फॉलो नहीं कर रहा तो क्या करता है, उसके खिलाफ कोर्ट वगैरह होती हैं जो लोगों को जुडाइस प्रोवाइड करवाती हैं। आज हम इसी में यही देखने वाले हैं कि बेटा जो पावर शेयरिंग है, जो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग है, वो क्यों जरूरी है, और उसको टू कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में देखें। वन इज बेल्जियम एंड सेकेंड इज श्रीलंका। सो लेट स्टार्ट। फर्स्टली बेल्जियम एंड श्रीलंका मीन्स दो कंट्रीज हैं, इनको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं। सबसे फर्स्टली बात करते हैं हम बेल्जियम की। तो बेल्जियम है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में, यू नो वेरी वेल कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो उन कॉन्टिनेंट में देखो बेटा, ये है बेल्जियम जो मैप में दिख रहा है, ये क्या है, बेल्जियम कंट्री है। और ये क्या है, एक बहुत ही स्मॉल सा कंट्री है, मीन्स इतना स्मॉल है कि जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा से भी स्मॉल है, ठीक है। इट हैज़ अ बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। मीन्स इसके जो बेल्जियम है, इसकी क्या है, इन कंट्री के साथ, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग, इनके साथ बाउंड्रीज शेयर करता है, ठीक है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटल ओवर 1 करोड़, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है सिर्फ 1 करोड़ है। मीन्स जो हरियाणा की पॉपुलेशन है उसका हाफ है, जो हरियाणा की पॉपुलेशन है उससे आधी तो इसमें पॉपुलेशन है, और साइज में कितना है, हरियाणा से भी छोटा है। द एथेनिक कम्पोजिशन ऑफ ए स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट इसकी जो एथेनिक कम्पोजिशन है ना, वो बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत ही उलझी हुई। वो कैसे, फर्स्टली तो हम देखते हैं एथेनिक कम्पोजिशन होती क्या है। तो अगर हम एथेनिक कम्पोजिशन की बात करते हैं ना, तो एक सोशल डिवीजन किसी भी इस जो एथेनिक कम्पोजिशन होती है बेटा, एक सोसाइटी का ऐसा डिवीजन जिसमें लोग अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मीन्स उनके क्या हैं, उनके जो रूल, सॉरी रिलीजन वगैरह हैं, वो क्या हों, अलग अलग हों, मीन्स अलग अलग टाइप के पीपल्स एक छोटे से एरिया में अलग अलग। जैसे कि हम बात करते हैं बेल्जियम की, तो बेल्जियम में क्या थे, डच स्पीकिंग पीपल भी रहते थे, उसके साथ साथ यहाँ पर फ्रेंच पीपल भी रहते थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल भी थे। तो मीन्स यहाँ क्या है, और उसके साथ साथ ऐसा नहीं था कि बेटा यहाँ की मीन्स जो एथनिक कंपोजिशन है बहुत ही उलझी हुई थी। जैसे कि यहाँ पर क्या, डच स्पीकिंग ज़्यादा थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम थे, और जर्मन स्पीकिंग तो बिल्कुल ही 1% थे। बट एक जो यहाँ की जो कैपिटल थी ना, वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे और डच स्पीकिंग कम थे। मीन्स यहाँ की जो कंपोजिशन थी वो बहुत ही उलझी हुई, कॉम्प्लेक्स थी। ऑफ द वन कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59%। देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, जो हम ये इसको देखते हैं बेटा हम डायग्राम के थ्रू, जो एथेनिक कंपोजिशन थी ये अगर हम मानते कॉम्प्लेक्स थी तो क्यों थी। देखो ये वह है बेल्जियम, ये बेल्जियम कंट्री है। तो इसमें देखो ये वाला पार्ट है, जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये था फ्लेमिश रीजन, ठीक है। फ्लेमिश रीजन इसको बोलते थे, जगह का नाम है बेटा फ्लेमिश। और इस एरिया में 59% पीपल डच स्पीकिंग थे, मीन्स जो डच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। जो ये बचा हुआ ये वाला पार्ट है, वालोनिया रीजन बोलते थे इसको, और इसमें क्या थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे 40%। देखो ये वाला एरिया बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो फ्रेंच स्पीकर है वो कम है, और ये सारे रीजन में ही क्या थे, फ्रेंच स्पीकर थे। उसके बाद आप बात करोगे 59 ये 40 ये है, तो मीन्स 99% हो गया। अब बचा ये 1%, देखो ये लाइनिंग पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ थी बेटा, ये वाला पार्ट देखते हैं, ब्रुसेल्स,
ये ब्रुसेल्स ये वाली जगह ना बेटा, देखो बिल्कुल स्मॉल सा एक क्या था जगह थी ब्रुसेल्स, और यहाँ पर आप बात करते हो तो देखो यहाँ पर क्या है, 59% डच बोल रहे हैं, यहाँ पर 40% बोल रहे हैं, बट इस वाले इस छोटे से एरिया में 80% लोग ऐसे थे ब्रुसेल्स में जो क्या थे, फ्रेंच स्पीकर थे, और 20% ही क्या थे, डच स्पीकर थे। मीन्स देखो कंट्री में डच बोलने वालों की मेजोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, जो फ्लेमिश रीजन है, और फ्रेंच बोलने वालों की मेजोरिटी कम है, बट इस एरिया में फ्रेंच बोलने वालों की मेजोरिटी ज़्यादा है और डच बोलने वालों की कम है। जर्मन क्या था, जर्मन अलग था, ये क्या थे, ये जर्मन स्पीकर थे, ये बिल्कुल ही अलग थे। तो मीन्स देखो इसीलिए इसको बोला गया कि यहाँ की जो कंपोजिशन है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से है। देखो कितना उलझा हुआ है, जो जो एरिया ज़्यादा है, जो लोग ज़्यादा हैं वो क्या है, छोटे से एरिया में कम है, और जो कम है वो इसमें ज़्यादा हैं। तो यहाँ यहाँ का ये जो भी कॉम्प्लेक्स, इसीलिए बोला गया है कि जो यहाँ का एथेनिक कंपोजिशन था वो कॉम्प्लेक्स था, क्लियर। अब इसको एक बार और देखते हैं, यही बातें लिखी गई हैं इसमें। देखिए फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज, 59% ऐसे थे फ्लेमिश रीजन में रहते थे और क्या करते थे, डच बोलते थे। अनदर 40% वालोनिया रीजन, एंड ये क्या थे, 40% थे जो फ्रेंच स्पीकर थे। रिमेनिंग 1% जर्मन स्पीकर थे, बट ब्रुसेल्स में क्या थे, 80% डच स्पीकर थे, सॉरी 80% फ्रेंच स्पीकर थे एंड 20% डच स्पीकर थे। तो इसी तरह क्या है, यहाँ पर कंपोजिशन हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखो एक और बात थी बेटा, जो लोग क्या थे, जो लोग कम थे, मीन्स जिनकी कम्युनिटी कम थी, वो क्या थे, वो अमीर और पावरफुल थे। मीन्स ये क्या था, ये एक हाई क्लास पावरफुल ग्रुप था जो अमीर भी थे और पावरफुल भी थे। दिस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या था, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना, वो क्या थे, वो उनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई और एजुकेशन मिली वो बाद में मिली थी। मीन्स जो ये वाला रीजन है ना बेटा, इस वाले रीजन में जो लोग थे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत लेट हुई थी, और उसके साथ साथ उनको एजुकेशन वगैरह भी लेट ही मिली थी, एजुकेशन राइट वगैरह। बट ये वाला पार्ट था ना, जो ये वाला वालोनिया रीजन, ये वाले क्या थे, ये रिच भी थे और इकोनॉमिकली डेवलप भी थे, पावरफुल भी थे, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस लेट द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। मीन्स जो ये एथेनिक कंपोजिशन था ना, मीन्स जो क्या है, नंबर में ज़्यादा है लेकिन वो पावरफुल नहीं है, जो नंबर में कम है वो पावरफुल है। इन दोनों ने क्या किया, लोगों के बीच में टेंशंस क्रिएट की, क्लैश क्रिएट किया 1950s 1960s के टाइम में। द टेंशन बिटवीन कम्युनिटी इज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स का एग्जाम्पल देखते तो यहाँ पर ये क्या थे, जो इन दोनों के बीच में बहस थी ना, ये और ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए सोशल प्रॉब्लम, मीन्स यहाँ पर क्या है, इसको ये एक ब्रुसेल्स ऐसी जगह थी जो क्या था, कैपिटल था, और यहाँ इन्होंने क्या था, यहाँ पर स्पेशल प्रॉब्लम देखने को मिली। क्यों, क्यों, जो कंट्री में जो लोग कम हैं वो ब्रुसेल्स में ज़्यादा हैं, और जो कंट्री में जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा है वो ब्रुसेल्स में कम है। ब्रुसेल्स में इसीलिए एक स्पेशल प्रॉब्लम देखने मिलती है। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री, डच स्पीकिंग की कंट्री में मेजोरिटी देखने मिलती है, बट कैपिटल में क्या थी, माइनॉरिटी। जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स था, यहाँ पर ये क्या थे, लोग कम थे बट क्या थे, कंट्री में ज़्यादा थे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री। इसी तरह देखो, ये तो हमने क्या देखा, बेल्जियम का एग्जाम्पल देख लिया, ये बेल्जियम अलग हो गया। अब देखते हैं श्रीलंका का एग्जाम्पल। श्रीलंका में जो एथनिक कंपोजिशन था वो कौन सा, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, आइलैंड नेशन है, यस वी नो वेरी वेल बेटा। जो इंडिया का मैप देखा होगा तो इंडिया का क्या है, नेबर कंट्री है श्रीलंका, और आइलैंड नेशन है। क्यों, क्यों, ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है, इंडियन ओशियन में है। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो इंडिया की साउदर्न कोस्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट है तमिलनाडु, उससे कुछ ही किलोमीटर दूर है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, यहाँ पर क्या है, अबाउट द सेम इन एज इन हरियाणा, जितनी हरियाणा की पॉपुलेशन है 2 करोड़, उतने ही कहाँ है,
यहाँ पर श्रीलंका में लोग हैं, मीन्स देखो बेल्जियम में तो क्या है, बेल्जियम में 1 करोड़ हैं, लेकिन एथनिक कंपोजिशन इतना उलझा हुआ है। यहाँ पर क्या, तमिलनाडु का एग्जाम्पल अलग है। ये क्या है, हरियाणा साइज में क्या है, साइज में छोटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन हरियाणा जितनी है। हरियाणा से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं बेटा, अब देखते हैं बेटा इसको। तो ये क्या है, श्रीलंका है जो डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ पर भी क्या है, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हेला स्पीकर, यहाँ पर 2 लैंग्वेज के स्पीकर बोल देखने को मिलेंगे बेटा। एक सिन्हेला स्पीकर जो 74% है, और क्या उसको बुद्धिज्म को, बुद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं। सेकंड हमें देखने को मिलता है यहाँ पर तमिल स्पीकर जो 18% है, मीन्स मेजोरिटी किसकी है, सिन्हेला स्पीकर्स की है। अमंग तमिल्स 2 सब ग्रुप्स, मीन्स जो ये थोड़े से जो 18% है ना बेटा, इनके भी 2 ग्रुप हैं। एक वो हैं जो कहाँ से, जो नेटिव्स ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के नेटिव हैं, जिनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है, मीन्स क्या है, जो बोलते तमिल हैं लेकिन बिलोंग श्रीलंका से करते हैं, इसीलिए उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है, वो कितने 13% है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं श्रीलंकन तमिल्स को छोड़कर जो तमिल स्पीकर, तो तमिल स्पीकर हैं बट क्या है, इंडिया के, इंडिया से गए हुए, मीन्स कभी उनके फोर फादर्स, मीन 5% पीपल ऐसे हैं जिनके फोर फादर कभी इंडिया के तमिलनाडु आसपास के इन स्टेट से गए होंगे और जाकर कहां, श्रीलंका में बस गए होंगे। ओके, तो देखो सिंपल सी थिंग है बेटा, जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, ठीक है। तो ये श्रीलंका है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है श्रीलंकन तमिल्स का जो 18% है, ठीक है। और बाकी क्या है, रेस्ट ऑफ दी, ये क्या है, ये ऐसा पार्ट है, मीन्स श्रीलंका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सिन्हेला स्पीकर एंड तमिल स्पीकर। तमिल स्पीकर्स कम है, 18% है पूरी कंट्री में, और सिन्हेला स्पीकर कहाँ है, सिन्हेला स्पीकर है 74%, ठीक है। और उसके साथ साथ जो श्रीलंकन तमिल्स, जो श्रीलंका के हैं, वो है 13%, और उसके साथ साथ जो इंडिया से गए हुए थे, मीन्स देखो टोटल कितने थे, जो तमिल्स, तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले तमिल स्पीकर्स, मीन्स 18% थे, 18% में से 13% हैं जो वहाँ के ही हैं, ठीक है, जो श्रीलंका से ही बिलोंग करते, बट उसमें से 5% ऐसे हैं जो कहाँ से, इंडिया से, जिनके फोर फादर्स, जिनके पूर्वज इंडिया से गए हुए थे। ओके, इन एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल, मीन्स कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे प्लांटेशन, बड़े बड़े प्लांटेशन फार्म जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, इनके फार्म्स में वर्क करने के लिए गए हुए हैं, उनको बोलते हैं हम इंडियन तमिल्स। देखो 18% को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये टोटल 18 है, तो इसमें ये 13 है श्रीलंकन तमिल्स और 5% है इंडियन तमिल्स। नाउ क्लियर हो गया होगा आपको। एज यू कैन सी द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। अब इसको देखते बेटा मैप के थ्रू, देखो ये वाला मैप है, तो मैप में देखते हैं, जो देखो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है जो रेडिश है, ये वाला पार्ट है किसका, जो तमिल स्पीकर है, ठीक है। ये वाले पार्ट में जितने बसते हैं वो क्या है, तमिल स्पीकर है, मीन्स देखो यहाँ से इंडिया की कोस्ट है थोड़ी सी दूर है, ठीक है। तो यहाँ से जो लोग आए थे, जो इंडिया से आए थे, या ये क्या है, ये इन्हीं पार्ट्स में आकर बस गए, थोड़ा सा पार्ट यहाँ देखने को मिलता है, बाकी ये फुल कंट्री किसकी देखने को मिलती है, ये बाकी है बेटा जो वहाँ पर है। और उसके साथ साथ आपको एक थिंग और देखने को मिलती है, जो सिन्हेला स्पीकर है ना बेटा, ये मोस्ट ऑफ मीन्स जो 78% पीपल जो सिन्हेला लैंग्वेज बोलते हैं, वो क्या है, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। और जो तमिल्स हैं, ये जो ये वाले हैं, वो क्या हैं, वो या तो क्या है, हिंदू को मानते हैं या क्या मानते हैं, वो मुस्लिम्स, मीन्स या तो वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। और इनमें से क्या है, कुछ 7% ऐसे, जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, क्रिश्चियंस है, मीन्स यहाँ पर भी आपको एथनिक कंपोजिशन बहुत ही उलझी हुई देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज, जो डच कम्युनिटी थी, डच कम्युनिटी कौन सी थी, जो इसमें आपको बेल्जियम की एग्जांपल में देखने को, टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरस मेजोरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल्स। देखो डच स्पीकिंग पीपल्स थे, ठीक है, वो क्या थे, परसेंटेज में ज़्यादा थे, तो उन्होंने इस बात की वो
एडवांटेजेस लेनी स्टार्ट कर दी कि हम क्या है उनका नंबर्स भी ज़्यादा है, 59% है, तो उन्होंने इस बात के एडवांटेजेस लेनी कर दी। और उसके साथ साथ लोगों को क्या जो फ्रेंच और जर्मन बोलते थे उनको क्या करना शुरू कर दिया, वो क्या थे माइनॉरिटी में थे, उनको दबाना शुरू कर दिया। दिस विल पुश ए कॉन्फ्लिक्ट अमंग द, इसी चीज़ ने क्या किया कॉन्फ्लिक्ट किया। दिस कुड लेड ए वेरी मैसिव पार्टीशन इन द कंट्री, इसने क्या है कंट्री के एक तरह से कंट्री को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। बोथ साइडेड वर क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और दोनों ही क्या थे ब्रुसेल्स जो क्या थी ब्रुसेल्स उसके ऊपर कंट्रोल लेना चाहते थे, ठीक है। इन श्रीलंका सिन्हेला कम्युनिटी इंजॉयड द इवन बिगर मेजोरिटी, मीन्स जो क्या थे 78% थे जो पर्संस वो क्या थे उन्होंने भी इस बात का एडवांटेज लेना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो एक कंट्री में है एक तो क्या है सॉरी 74% है ये, तो एक एक लोग ऐसे हैं जो सिन्हेला बोलते हैं 74% है कंट्री में, एक पीपल ऐसे जो सिर्फ कंट्री में हैं ही 18%। तो बेटा जो 74% पीपल हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी मेजोरिटी लाएंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे वो जो 18% पीपल हैं उनको दबाने की कोशिश करेंगे, और यही हो रहा था इसमें किसमें श्रीलंका में, ठीक है, यही हो रहा था बेल्जियम में, दोनों में था। अब देखते हैं कि ये तो सिचुएशंस हो रही हैं, अब यहाँ की गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है इनको, ठीक है। अब फिर से हम इसका श्रीलंका का एग्जांपल देखते हैं। मेजोरिटीनिज्म इन श्रीलंका, मेजोरिटीनिज्म होता है बेटा ये एक टाइप की, जो भी कंट्री ये दो ये कंट्री है बेटा, इस कंट्री में जिन लोगों की ज़्यादा मेजोरिटी देखने को मिलेगी वो क्या करेंगे, वो दूसरी जो दूसरे हैं उनको क्या कर लेंगे, वो अपनी चीज़ें मनवाएंगे, अपने अकॉर्डिंग रूल बनाएंगे, हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएगी, और जो दूसरे हैं जो कम हैं उनको क्या है दबाना शुरू कर देंगे। और यही था मेजोरिटी। श्रीलंका एमएज द इंडिपेंडेंट कंट्री, श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। द लीडर ऑफ द सिन्हेला कम्युनिटी सोट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाई वर्च्यू ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी के बेस पे जो सिन्हेला स्पीकर थे उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड सीरीज ऑफ मेजोरिटीजम मेजर्स इस्टेब्लिश सिन्हेला सुप्रीमेसी, मीन्स क्या था जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो डेमोक्रेटिक वे में बनी थी उसने भी क्या किया उन्होंने भी जो सिन्हेला स्पीकर थे उनकी अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर दिया इन 1996 में, और अपनी सुपरमेसी जो सिन्हेला थे उनकी सुपरमेसी लाने शुरू कर दी। उनमें क्या क्या किया, एक तो मीन्स जो यहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उन्होंने सिन्हेला के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। और कौन क्या क्या वर्क हुए, 1956 एक्ट वाज पास्ट रिकॉग्नाइज सिन्हेला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो एक तो सबसे फर्स्ट तो 1956 में सिन्हेला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, मीन्स क्या है जो दूसरी है तमिल लैंग्वेज है तमिल पीपल को कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो क्या है कंट्री में माइनॉरिटी में है, जो कंट्री में मेजोरिटी में है उनकी लैंग्वेज को क्या बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है। सेकेंड था द गवर्नमेंट फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसीज, मीन्स क्या है प्रीफरेंशियल मीन्स गवर्नमेंट ने था प्रीफरेंस देना शुरू कर दिया, जो सिन्हेला थे जिनकी मेजोरिटी थी उनको हर चीज़ में प्रीफरेंस देना शुरू कर दिया। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं दो पीपल हैं, ठीक है, ये दो पीपल हैं तो ये किसी भी जगह क्या है एजुकेशन के एडमिशन के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो इनमें से एक पर्सन क्या है एक सिन्हेला स्पीकर है एक तमिल स्पीकर है, तो जो सिन्हेला स्पीकर है ना बेटा इसको क्या दी जाएगी प्रेफरेंस दी जाएगी, इसको पहले मौका मिलेगा कोई भी काम करने का, चाहे वो एडमिशन लेने जा रहा है चाहे वो जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा है, इस पर्सन को क्या है क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट क्या है यहाँ गवर्नमेंट मेजोरिटी से किसकी बनी हुई है सिन्हेला की बनी हुई है, और वहीं यहाँ चीज़ें यहाँ हो रही थी चाहे यूनिवर्सिटी में था चाहे गवर्नमेंट जॉब था हर जगह। एंड थर्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट वॉज स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, मीन्स क्या है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जो क्या था जिसमें किसको बुद्धिज्म बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट किया गया था, ठीक है। मीन्स क्या था जो सिन्हेला जो हिंदू और मुस्लिम थे उनको उनके रिलीजन को कोई वैल्यू नहीं दी गई, किसको दी गई जो कौन थे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कम वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिग्नेशन,
मीन्स इन सब फीलिंग्स ने, जो देखो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी सिन्हेला के अकॉर्डिंग बन रहा है, उनको उनकी जो लैंग्वेज है सिन्हेला लैंग्वेज है उसको जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो वो मान लिया गया, मीन्स जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे वहाँ सिन्हेला लैंग्वेज काम आएगी। थर्ड क्या था, उनको प्रेफरेंस दी जाने लगी। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों में एक अलगाव की, एलिगनेशन की भावना आ गई अमंग द श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, दो माइनॉरिटी में थे, उनमें एक अलगाव की भावना, दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेट द बुद्धिज्म सिन्हेला लीडर वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। मीन्स वो उनका क्या मानने लग गया था कि बुद्धिज्म को ही प्रेफरेंस दी जाने लगी है, उनके ना तो की रिलीजन को प्रेफरेंस दी जा रही है, वैल्यू की जा रही है, ना ही उनकी लैंग्वेज और कल्चर की वैल्यू की जा रही है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। मीन्स उनका उनका मानना ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन था, गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, हर जगह उनको क्या है इक्वल राइट नहीं दिया जा रहा था, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब, उनको क्या है जॉब लेने के लिए या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ थी उन सब में उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। और देखो सिंपल सी थिंग है बेटा, देखो जो सिन्हेला सॉरी जो तमिल से उनके मन में क्या आ चुकी थी कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना तो वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, ना ही उनके रिलीजन और कल्चर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको क्या है ना ही पॉलिटिकल राइट मिल रहे हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनको क्या है अच्छी जॉब लेने से या अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने से भी इग्नोर किया जा रहा है। फिर क्या था बेटा, एक रिएक्शन होना था, उससे क्या होता है, अब रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट को देखते हैं। अब क्या था, सिन्हेला और तमिल्स के बीच में, दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो गए। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने क्या है पार्टीज लॉन्च की और स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज जाना जाए और उसके साथ साथ उनको क्या है रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज, सेकुलरिज्म, एजुकेशन एंड जॉब, इनमें क्या है उनको इक्वालिटी मिले, किसमें एजुकेशन में, जॉब में, हर चीज़ में उनको सिक्योरिटी मिले, तो वो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करने लगे थे, उन्होंने अपनी पार्टीज बना ली थी। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेज पॉपुलेटेड बाई द तमिल्स वॉज रिपीटली डिनाइड, मीन्स उनकी जो डिमांड थी उसको क्या कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है, एक तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। बाई 1980 सेवरल पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग द इंडिपेंडेंट तमिल इलम, इलम होता है स्टेट, मीन्स क्या है। अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा, देखो इन 1980 में बहुत सारी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, जो क्या था जो तमिल स्टेट्स को क्या है इंडिपेंडेंट चाहते थे, और उसके साथ साथ देखे डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू ए वाइड स्प्रेड कॉलम, मीन्स दो कम्युनिटीज थी, कौन कौन सी थी, जो श्रीलंकन तमिल्स थे और उसके साथ साथ जो तमिल स्पीकर थे और सिन्हेला स्पीकर थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और जल्दी ही ये किसमें सिविल वॉर में बदल गया। सिविल वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या था जो किसको ग्रुप्स को अपोज किया जाता है और उसके साथ साथ क्या है मीन्स एक तरह से क्या है इंटरनल वॉर की सिचुएशन बन जाती है। अब इम्पैक्ट क्या होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ ऑफ कम्युनिटीज वर किल्ड, दोनों कम्युनिटीज के देखो वॉर हो रहा, सिविल वॉर कंट्री के अंदर, तो दोनों कम्युनिटीज के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज को क्या है बहुत सारी फैमिलीज को कंट्री छोड़ने के लिए फोर्स किया गया, रिफ्यूजीज एंड मैनी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, और बहुत सारे लोगों ने अपने जो एम्प्लॉयमेंट थी लाइवलीहुड थी उसको खो दिया था। ठीक है, मीन्स क्या है ये क्या कर रहा है, कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है। श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ, आप जानते हो बेटा जो श्रीलंका था वो क्या है HDI में बहुत अच्छा क्या था रैंकिंग शो कर रहा, बट सिविल वॉर वॉज कर्स्ट द ट्राइबल सेटबैक, मीन्स जब सिविल वॉर होता है तो जो इनका जो HDI में रैंकिंग अच्छी थी वो क्या है उस चीज़ को क्या कर देता है क्रश कर देता है, और टू सेटअप सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ होती है, और उसके साथ साथ जो सोशल इकोनॉमिक और कल्चर लाइफ है वो भी क्या हो जाती है वो भी एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसके साथ साथ ये जो सिचुएशन है ये जाके आगे 2009 में ख़त्म होती है। तो ये देखा हमने क्या था श्रीलंका का एग्जांपल, मीन्स श्रीलंका में क्या है दो लैंग्वेज स्पीकर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो दोनों क्या है जो मेजॉरिटी में थे वो हर तरह का फ़ायदा ले रहे हैं, जो माइनॉरिटी में थे उनको कोई भी क्या है फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो जो माइनॉरिटी वाले थे उन्होंने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया, आवाज़ उठाया अपने हक के लिए, बट उनकी क्या है उनकी कोई सुनता नहीं है, सिविल वॉर होता है, बहुत सारा क्या होता है कंट्री को लॉस होता है,
और लास्ट में देखते हैं अब बेल्जियम का एग्जाम्पल, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम का देखो, ये फिर से मैंने मैप बनाया है, इसमें देखेंगे द बेल्जियम लीडर टू के डिफरेंट, बट जो बेल्जियम के लीडर्स हैं ना, उन्होंने एक अलग रास्ता दिया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंशियल एंड कल्चर डाइवर्सिटी। उन्होंने क्या था, जो रीजन से कल्चर से डाइवर्सिटी थी, उन चीज़ों को क्या किया, उन चीज़ों को जाना। 1970 से 1993 तक दे अमेंडेड दे कॉन्स्टिट्यूशन सो मेनी टाइम्स। उन्होंने अपना 1970 से 1993 तक उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार अमेंडमेंट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या था, उन्होंने देख लिया था कि कंट्री है इसमें क्या, डच स्पीकर भी है, फ्रेंच स्पीकर भी है, जर्मन स्पीकर भी है, और उसके साथ साथ ब्रुसेल्स की कंडीशन तो अलग थी। तो इन्होंने क्या था, उन सब की जो भी नीडेड थे उनको पूरा करने के लिए बहुत बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए। दे वुड एनेबल टू एवरी वन लिव टूगेदर विद इन सेम कंट्री। वे चाहते थे कि हर कोई क्या है, एक ही कंट्री में रह पाए। द एग्रीमेंट दे वर्कड आउट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज वेरी इनोवेटिव। मीन्स जो उन्होंने जो भी एग्रीमेंट किया ना, वो देखते हैं हम, उसको जाना जाता है बेल्जियम मॉडल के नाम से। मीन्स जो उन्होंने सभी कम्युनिटीज को, जर्मन स्पीकर को, डच स्पीकर को, और उसके साथ साथ फ्रेंच स्पीकर को साथ रखने के लिए, एक ही कंट्री के अंदर रखने के लिए उन्होंने एक मॉडल लाया, जिसको बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। मीन्स सबसे फर्स्ट तो क्या था, डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर दोनों के बीच में ही मेन कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। तो वो दोनों क्या हैं, वो दोनों के जो मिनिस्टर हैं उनकी इक्वल नंबर रहेगा। मीन्स जब भी क्या है, असेंबली फॉर्म होगी तो दोनों क्या है, इक्वल नंबर में होंगे। दे सपोर्ट द मेजोरिटी ऑफ नंबर फॉर्म इन लिंग्विस्टिक ग्रुप। मीन्स क्या था, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए जो क्या था, जो माइनॉरिटी में थे उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। और बहुत सारी पावर ऐसी थी जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी, और वो नाम की पावर नहीं थी। कुछ पावर्स ऐसी थी जिसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। ब्रुसेल्स एज ए सेपरेट गवर्नमेंट, और ब्रुसेल्स जहाँ जिसको लेकर मेन लड़ाई थी, ये वाला पार्ट जहाँ पर क्या थे, फ्रेंच स्पीकर 80% थे, डच स्पीकर 20% थे, उसमें अलग से ही गवर्नमेंट बना दी। मीन्स क्या, लड़ाई ही खत्म, वहां की गवर्नमेंट अलग वर्क करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो ब्रुसेल्स था वहां पर अलग गवर्नमेंट बना दी जाती है, दोनों कम्युनिटीज को क्या है, इक्वल रिप्रेजेंट किया गया था। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। मींस जो ब्रुसेल्स था वहां पर क्या था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि जो डच स्पीकिंग पीपल थे ना, उन्होंने देखो पूरे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बन रही थी, जब क्या था, डच स्पीकिंग पीपल्स ने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि देखो ये वैसे तो 59% है, लेकिन जब पूरी गवर्नमेंट इसकी जगह की गवर्नमेंट बन रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही थी, तब इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब क्या था, जो जब यहाँ की गवर्नमेंट बन रही थी, तब क्या था, फ्रेंच पीपल्स ने इक्वल मीन्स इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उसके साथ साथ हम बात करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देर इज एक तो देखो सेंट्रल लेवल पे, पूरे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनी थी, उसके साथ साथ एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनी थी। एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट और बनाई गई थी बेटा, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें क्या था, इसमें डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग, इन तीनों को क्या है, इन तीनों का इक्वल वो लिया गया था। मीन्स कोई नो मैटर वेयर दे लिव, कोई फर्क नहीं पड़ता था वो कहाँ रहते हैं। और उसके साथ साथ क्या था, द गवर्नमेंट हैज टू पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। और उस गवर्नमेंट के पास क्या थी, जो कौन सी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसके पास पावर थी, किससे, कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड इशूज़ को सॉल्व करने की पावर थी। तो इस तरह क्या था, ये जाना जाता है बेल्जियम मॉडल। तो बेल्जियम मॉडल था, ये क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये क्या था, ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल था, जिसने क्या किया, जिसने जो बेल्जियम के पीपल्स थे उनको एक साथ जोड़कर रखा। मीन्स क्या है, जो भी लोग थे बेल्जियम के, वो देखो अगर श्रीलंका वाला हाल होता तो वहाँ क्या होते, वहाँ पर सिन्हेला स्पीकर थे, सिन्हेला स्पीकर की मेजोरिटी थी, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन को ढाल लिया, वो क्या थे, हर तरह से प्रेफरेंस लेने लग गए थे। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी ने भी कोई सॉल्यूशन नहीं किया, जिसके कारण क्या थे, जो तमिल स्पीकर थे वो उनके अपोज हो गए, और गवर्नमेंट ने जो कंट्री थी उसमें सिविल वॉर की कंडीशन आ गई। बट इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं बेल्जियम मॉडल की, तो बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सबका ध्यान रखा, कहीं पर क्या थे, सभी को इक्वल राइट दिए गए। मीन्स जो असेंबलीज बनती थी उनमें क्या थे, नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल रखा गया। उसके साथ साथ क्या था, जो मेन ब्रुसेल्स था वहाँ की गवर्नमेंट ही अलग सेटअप कर दी, और उसके साथ साथ एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट
भी बना दी, मीन्स उन्होंने क्या किया, इस तरह से जो सिविल वॉर जैसी स्ट्रिफ कंडीशन थी उनसे बचा लिया था। और इसी तरह हमने ये दो मेन क्या थे, जो अलग अलग कंट्रीज के एग्जांपल थे, यही देखे थे। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट में वीडियो लेक्चर में करने वाले बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।